ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र मन से, आराधना मैं करता हूँ तुझे ढूंढता हुआ। हाय माय फ्रेंड्स एवरीवन, मैं अभी घर से लाइव हूँ। लाइव में नहीं आने वाली थी बट मुझे पता नहीं कुछ हुआ। आई वॉज प्रेइंग माई होम और आई शुड गो टू लाइव, ये मेरे मन में आया। गॉड ने मुझे अंदर से कहा कि आई शुड टॉक टू यू एवरीवन, सबके साथ मैं बात करूं। आई ट्रस्ट स्पोक टू गॉड कि मैं क्या बात करूं। गॉड, क्या ये लोग मेरी बातों को कैसे यकीन मानेंगे, मेरे फैंस, क्योंकि मैं तो मजाक मस्ती कॉमेडी हमेशा मीडिया के सामने करती रहती हूँ। हाउ दिस पीपल विल बिलीव मी बिकॉज आई ऑलवेज डू कॉमेडी। देन अंदर से मेरे अंदर होली स्पिरिट, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ होली स्पिरिट गाइज, होली स्पिरिट जो गॉड हम पुकारते हैं, जिसे होली स्पिरिट आता है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी नहीं पता कि कब हम जिएंगे, कब मर जाएंगे। रात को सोते हैं तो किसे नहीं पता कि वो सुबह उठ पाएगा या नहीं। सलाम वालेकुम एवरीवन, सलाम वालेकुम। तो मैं एक बहुत ही, मैं वैसे ज़्यादा लाइव जाती नहीं हूँ बट पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज लाइव जाना चाहिए, मुझे लोगों को कुछ हकीकत बतानी चाहिए। पता नहीं मैं कल सुबह हूँ ना हूँ, शायद मैं आप लोगों से दोबारा कभी ना मिल पाऊँ, क्योंकि पता नहीं कि कब क्या हो जाए लाइफ में। तो यही कि आसमान में खुदा है जो आप सबसे बहुत प्यार करता है। मेरी कॉमेडी, मेरी हंसी मजाक, वो सब कुछ मेरा अलग है मीडिया के सामने, दैट इज माई ब्रेड एंड बटर। वो नहीं करूंगी तो मेरा ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा दोस्तों। बट ये देखिए, मैं प्रेयर करती हूँ रोज रात को, रोज सुबह उठ के। बट गॉड हमेशा कहते हैं कि राखी, आप अपने फैन से हमेशा बात करो, उन्हें बताओ कि शराब पीना हराम है, गुनाह है, गलत बोलना हराम है, गुनाह है, किसी का बुरा करना हराम है, गलत है। हाँ, तो और बहुत ऐसी चीज़ें जो गॉड के खिलाफ है वो हमें नहीं करनी चाहिए। हम जो क्लबों में जाके इतना टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह रात भर दारू पी के घर में आते हैं, शैतान हमें भड़काता है, कहता है कि कर्ज में डुबा कर टेंशन देता है, हमें गॉड की तरफ, खुदा खुदावंद परवरदिगार की तरफ जाने नहीं देता है। मेरे कुछ दोस्त मेरे बातों पर हंस रहे हैं बट मुझे उसके उनके बारे में, उनको बस आशीष में उनको दुआएं दे सकती हूँ। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ जो मैं आज आपके सामने आई हूँ, और यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंत बहुत भला है। अब रात को आप सच्चे मन से अपने पापों को स्वीकार करो जो आपने पिछले सालों में किए या पूरा दिन में किया है। गॉड से, खुदावंत से आप लोग माफ़ी मांगे कि है खुदा, मैंने इतना पाप किया है, मुझे क्षमा करे, क्योंकि खुदा है ना 70 माओं वाला दिल रखने वाला खुदा है। हमारी एक माँ जो है हमें इतना प्यार करती है बिना स्वार्थ के, बिना इन अनकंडीशनल लव, तो सोचो खुदा हमारे कितने गुनाह को, परमेश्वर पिता हमारे कितने गुनाहों को माफ करता है। हम इतने गुनाह करते हैं आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो अल्लाह की नजर में, परमेश्वर की नजर में, खुदा की नजर में, पिता परमेश्वर की नजर में पाप होता है। हम वक्त से पहले सुधर जाए तो अच्छा होता है। मुझे ये सब बातें आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, आप मुझे हमेशा कॉमेडी करते हुए या फिल्मों में डांस या बहुत सारी चीजें करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसे मैं ज्यादा आना नहीं पसंद करती हूं। लेकिन खुदा के सामने मुझे झुकना ही पड़ता है। खुदा कहता है कि मैंने तुझे इतना बड़ा बनाया सिर्फ
फिल्मों में डांस करने के लिए या रियलिटी शो में तुझे पहुंचाया, तेरे इतने मिलियंस ऑफ मिलियन फैंस बनाए इसलिए नहीं कि तू चुपचाप सिर्फ तरक्की पाए, मैंने इसलिए बनाया कि तू सबको जाके बोले कि परवरदिगार बहुत अच्छा है, खुदावंत परमेश्वर जो आसमान का खुदा वो बहुत अच्छा है, रहम दिल है। आप लोग दिल से हमेशा कभी माफी मांगो, कभी तकलीफ में हो तो उसको उसको चखो, ना कि अपने दोस्तों को कभी बोलो कि मैं तकलीफ में हूं मुझे मदद कर, नहीं, मैं जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती सिवा खुदा के। मैंने जिंदगी में हमेशा ऐसे देना ही सिखाया, कभी लेना नहीं सिखाया। परवरदिगार ने, अब्बा पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया, मैंने वो भी मेरी औकात नहीं कि मैं किसी को दे सकूं, वो मुझे हमेशा जरिया बनाते हैं और मैं किसी के लिए करती हूं। खुदा मुझे देता है तो मैं किसी को दे पाती हूं। खुदा ने मुझे बहुत, ईश्वर ने बहुत मेरी जिंदगी में अच्छा काम किया। मैं आपको सच कहती हूं कि जब गंदी गंदी बातें बोलते हैं, फालतू चीजें करते हैं, तो आपके व्हाट्सएप में और आपके यहां पर लाइव में मिलियंस लोग आ जाते हैं। जब आप क्लीवेज खोल के बैठ जाते हैं, गंदी बातें करते हैं, फैन से फालतू मतलब बिना मतलब की बातें करते हैं, लेकिन जब आप गॉड की बातें करते हैं, गॉड अभी मैं प्रे कर रही हूं, मेरा वक्त होता है दिन रात, मैं अपना काम करती हूं ईमानदारी से और दिन रात मैं सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाती हूं। दोस्तों मैं आपको सब यही कहती हूं कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, पैसा, तरक्की, ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझे खुदा ने सब कुछ दिया है, आज मैं उस मेरे खुदा के कारण आप सबके सामने आई हूं कि वो आप सबको एक लंबी जिंदगी दे, आपको तरक्की दे, आपको सद्बुद्धि दे, कि आप खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, परवरदिगार के सामने अपने पापों को कबूल करे, अपने अपने लिए माफी मांगे, अपने खानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो शादीशुदा है, अपने पति के लिए, पत्नियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए प्रे करे। आप सोचते हो कि राखी तुम ये सारी बातें करते हो, तो हाँ ये मैं बातें करती हूं। आपने मुझे असली चेहरा तो आपने मुझे देखा ही नहीं है, मैं यही असली हूं, यही मेरी पहचान है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गॉड में बनी रहती हूं, तभी मैं तरक्की पाती हूं। ना मेरा कोई गॉड फादर है, ना कुछ है, मेरा सिर्फ गॉड है, मेरा खुदावंत परमेश्वर है, जो मुझे आप सबके दिलों में मेरे लिए प्यार लाता है। मैं सच्चाई से चलती हूं, झूठ का सहारा या किसी भी गुनाह का सहारा मैं नहीं लेती हूं। कितनी भी तकलीफ मेरी जिंदगी में आ जाए, हार गए हैं फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहती हूं कि दोस्तों सरेंडर कर दो, पनाह ले लो खुदा की, उनके पनाह ले लो, उनसे अच्छा अनकंडीशनल लवर कोई नहीं आपको प्यार करेगा। मैं तो उनके चरणों में बैठने के लायक भी नहीं हूं, फोन कर रहे हैं मुझे, तो अभी मैं सबसे अलविदा चाहती हूं और मैं प्रे कर रही हूं। ये देखो मैं प्रे कर रही हूं, सडनली मुझे खुदा ने कहा मैं लाइव जाऊं और आप लोगों से बात कर रही हूं। आप सब लोग अच्छी जिंदगी चाहते हो, बहुत अच्छी जिंदगी, मेरे जैसी, मुझसे भी अच्छी, तो आप सब लोग खुदा के सामने सरेंडर कर दो, अच्छी जिंदगी जियो। मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ मांगती हूं कि खुदा परमेश्वर, अल्लाह अब्बा पिता, अल्लाही रबाई पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप सबको अच्छी जिंदगी आप लोग जिए और आप सब लोग के घर में, कभी आपके बैंकों में, कभी भी आपके अकाउंट में किसी भी चीज की कमी ना हो, आपके खाते हमेशा भरे रहे,
आपका अनाज हमेशा भरा रहे। मैं प्रार्थना करती आप सबके लिए, आप मेरी बात मानेंगे ना? हाँ आजा बेटा, आप मेरी बात मानेंगे ना? क्योंकि गॉड बहुत भला है। हाँ आजा, हाँ थोड़ा टाइम के बाद आ बेटा। शायद आदिल फोन कर रहे हैं और अभी मुझे जाना होगा। बाय एवरीवन, सी यू।